So here we are left from Kalyan now, and here are all family. सो आज मैं आई हूँ पुणे. सो यहाँ पे लाइक मॉर्निंग को आ गए थे, फ्रेश अप हम लोग हो गए. सो नाउ वी आर गोइंग टू यहाँ पे एक मंदिर है मोरिया गोसावी करके, एंड वहाँ पे एक बोटिंग का भी है, रोटरी क्लब समथिंग. सो वी आर गोइंग देयर राइट नाउ, एंड यहाँ से मंदिर इज लाइक 10 मिनट्स. सो वी आर गोइंग फॉर वॉक. नाइस समथिंग टिपिकल बैम्बूज. तो यहाँ पे नदी के बाजू में मोरिया गोसावी स्वामी का टेम्पल है. यहाँ पे जो टेम्पल दिख रहा है दाई सोने द वन वेबिया गोही, ये है यहाँ का एंट्रेंस ऑल थिंग्स. क्या बोल रहे थे? सो आजू बाजू आपको सब हार एंड डॉल के शॉप्स मिल जाएंगे, जो कि हर देवस्थान के यहाँ पे होता है. तो यहाँ पे हम मोरिया गोसावी टेम्पल आए हैं, पूना में है जो. ठीक है, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही फेमस टेम्पल है. सी यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हैं, यू नो लाइक एंशिएंट टाइम्स की जो चीज़ें हैं, जो इंफॉर्मेशन के तौर पे यहाँ पे लगाई है. यस, ये जो है वो इनकी शादी का कुछ पिक है. मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं ये चीज़ के लिए, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं. इफ़ यू वांट अ कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन, यू कैन जस्ट हैव अ ग्लैंस ऑफ दिस. और यहाँ पे भी है, बहुत ही क्यूट पिक्चर निकाली है, और इट्स लुक लाइक इट्स रियल. बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है, सुपर. और ये जो पिक है जहाँ पे मोरिया गोसावी जी वो बॉर्न हुए, ठीक है, सो उसका ये उस वक्त का ये पिक है, जो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये देखिए यहाँ पे इसके पूरे डिटेल्स, या उनके ये जो छोटा पेड़ी है उनका नाम चिंतामणि है. या दिस इज़ अष्टविनायक गणपति जी. बहुत ही फेमस है ये सब चीज़ें यहाँ पे. सी आप इसका इंफ्रा भी देख सकते हो, इट्स लाइक ह्यूज स्काई, सो क्लियर. या नाइस. ये धरनी महाराज की समाधि है, ठीक है. यहाँ पे ये जो लिखा भी है ऊपर, फाइनली वी आर गोइंग इन साइड, ठीक है, दर्शन करने के लिए मोरिया गोसावी जी का. सो हियर आर द स्टेप्स एंड वी आर वॉकिंग थ्रू इट. सब लोग फोटो निकालते हैं यहाँ पे भी. एक्चुअली कोई भी पब्लिक ऐसी नहीं है जो कहीं जाए और फ़ोटो ना निकाले, ऑब्वियसली.
बिकॉज इट इज़ अ मेमरी सो वी शुड क्लिक. थैंक गॉड बट दिस टेम्पल इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड फॉर द फोटोज एंड ऑल. एवरीथिंग इज़ ओपन एंड एवरी वन कैन क्लिक एंड रिकॉर्ड द थिंग्स विच दे वॉन्ट टू. सो रियली इट्स नाइस. सी दिस इज़ ऑल्सो लाइक यहाँ पे हर एक इमेज में कुछ ना कुछ इन्होंने इन्फो दिया है. हर एक इमेज में कुछ ना कुछ इन्फो है एंड उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से पिक्स में डिस्क्राइब किया है सारी चीज़ें. यस एंड रियली इट इज़ अ ब्लीसफुल आई मस्ट से दैट. Everyone is doing photo shoot here except me because I am busy and you know collecting the info or showing the info to you, to my audience. People are resting here after darshan. Kids are playing here after darshan and I'm still doing photo shoot, a video shoot you can say that. की धर्मपत्नी पार्वती देवी ने गणपति का बहुत तपस्या किया और उनके भक्ति से प्रसन्न होकर गणपति जी मोरगांव के महेश्वरेश्वर एक दिन सवेरे उनके साक्षात्कार हुआ उनको श्री वामन भट्ट जी को. गणपति पप्पा ने उन्हें वरदान दिया कि मैं आपके ही घर में जन्म लूँगा और मौर्या गोसावी उनका जन्म यहाँ पर हुआ था. मोरगांव में एक बार ऐसा बुखार का साथ आया था और बहुत ही हाहाकार मच गया था और मौर्या गोसावी जो थे बचपन में बाल तो उनको भी बुखार आया तो एक साधु वहाँ पर आए. उन्होंने कहा है कि ये साक्षात्कार गणपति के ही अवतार है मौर्या तुम्हारा लड़का करके. ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये थेउर की है जहाँ पे मौर्या गोसावी जो थे वो तप कर रहे थे जंगल में बैठ के, ठीक है. एंड अचानक उन्होंने मतलब एक शेर उनकी तरफ यू नो जंप करने लगा था तो जब उनको रियलाइज़ हुआ कि कोई शेर इज़ गोइंग टू अटैक ऑन अस तो उन्होंने जब आँख खोल के शेर की तरफ देखा तो शेर वहीं पे यू नो लाइक वहीं पे शीला हो गए. लाइक शीला व्हाट आई से इन दिस कि वहीं पे वो स्टैचू हो गए थे वो शेर. और आज भी वो थेउर में ये उनका स्टैचू आपको दिखेगा. सो दिस इज़ वेरी वेल डिस्क्राइब्ड इन दिस पिक्चर एंड इट इज़ अ रियल स्टोरी वी मस्ट से दैट. या और ये पिक्चर आप देख रहे हो इसमें उसमें लाइक ये जो मौर्या गोसावी है वो इट्स गणपति का ही अवतार है वो, ठीक है. तो गणपति ने उन्हें वरदान भी दिया था कि वेन एवर आपको जब भी कोई यू नो कोई भी डिवोटी आपको जब आपका नाम लेगा इसीलिए जब भी गणपति का हम लोग यू नो कोई भी भक्त जब गणपति का नाम लेता है तो लास्ट में मौर्या बोलता है. दैट्स वाई गणपति पप्पा मौर्या करके हम सब पूरा वर्ल्ड पूरा इंडिया जानता है इस बात को बिकॉज मौर्या गोसावी इज़ नथिंग बट गणपति जी एंड गणपति इज़ नथिंग बट द मौर्या गोसावी. इस पिक्चर डिस्क्राइब कि एक फार्मर रहता है, ठीक है, और उनके फार्म में कोई भी क्रॉप्स ग्रो ही नहीं हो रहा था, ठीक है. सो व्हेन द मौर्या गोसावी रीच देयर एंड द फार्मर एक्सप्लेन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम व्हाट इज़ द इशू इज़ गोइंग ऑन. सो जस्ट यू नो मौर्या गोसावी के टच करने से ही वो अर्थ को पूरे क्रॉप्स आ गए एंड फार्मर बिकम रिच एंड रिच देयर. सो दिस इज़ वॉट दिस पिक्चर इज़ अबाउट ऑल. इट पिक्स डिस्क्राइब दैट वन गर्ल वॉज अ ब्लाइंड, ओके, एंड वेन द मौर्या गोसावी रीच देयर ही हैज़ लिटरली गिवन दैट पावर टू दैट गर्ल टू सी द वर्ल्ड. सो दैट गर्ल इज़ एबल टू सी द वर्ल्ड अगेन. वहाँ पर एक बादशाह था, ठीक है, जो मौर्या गोसावी के पास आता है और उन्हें एक लैंड का प्रस्ताव देता है बट मौर्या गोसावी वो चीज़ रिजेक्ट करता है सेइंग दैट कि व्हाट मुझे जो भी कुछ मिल रहा है वो मेरे भगवान मुझे दे रहे हैं, मुझे आपकी इस चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं है. सो दिस पिक्चर डिस्क्राइब दिस वन. यहाँ पे इस पिक्चर में ये दिखा है कि एक बंदा है यू नो जो मौर्या गोसावी जब तपस्या कर रहे थे वो उनके झोपड़ी को आग लगाने की कोशिश करता है और फिर बाद में वो चेक करता था कि कुछ हो रहा है या नहीं, कि वो सच में भगवान है या नहीं. लेटर ऑन ही रियलाइज दैट पूरी झोपड़ी जल गई थी बट मौर्या जी को कुछ हुआ नहीं बिकॉज ही इज़ अ अवतार ऑफ अ गॉड. सो गाइज मैं आपको बता दूँ आई वॉज जस्ट मैं ना ये जो सोनल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही थी, ओके. सो द वॉइस वॉज माइन
ओके सो अभी मैं उसे हैंड ओवर कर रही हूँ वो चीज़ एंड शी हैज जस्ट गिवन मी फॉर अ फ्यू मिनट्स टू टेक ओवर दिस एपिसोड ओवर टू सोनल। मंदिर के साइड में ही आपको दिख जाएगा यहाँ पे भी पूरी स्टोरी लिखी हुई है अबाउट मौर्या गोसावी स्वामी। अंदर तो आपको स्टोरी बोला ही रहेगा, आई डिड नॉट वेंट इनसाइड बट हियर आर सम क्लेम्स। एंड इसके ये जो दिख रहा है इसके पीछे देयर इज अ गार्डन एंड इसके यहाँ पे देयर इज अ रिवर। सो नाउ हम लोग अभी जाने वाले हैं गार्डन, लेट्स गो। सो हाउ वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस इन व्लॉगिंग? सी एक्सपीरियंस एंड ऑल ठीक है बट यस मैं कर सकती हूँ सारी चीज़ें। यस सो डू कमेंट डाउन कि कैसा लगा आपको उनका व्लॉगिंग।